नकली मेडिसिन कारबार घटना बिहार गयारु गिरफ होइतबा दुई अभियुक्तंकु एसटीजेएम कोर्टरे हाजर करिछि पुरीघाट थाना पुलिस। अधिक पचराउचरा पई 5 दिन रिमांड आवेदन करि पारे पुलिस। सेबडे नकली पई नंबर औषध उपरे संदेह हेले आमको जणाओ बोली कुहा जायछि। वेबसाइट रे ऑफिसर को नंबर जारी करछि ड्रग कंट्रोल विभाग। जिल्लावारी अधिकारी को नाम नंबर सहित मेल आईडी जारी करा जायछि। एने ड्रग कंट्रोल विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। तेबे संपर्क रे अधिक अपडेट दबा पे आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी छथि हमर कटक प्रतिनिधि विश्वजीत दास। विश्वजीत, नकली मेडिसिन कारबार घटना रे वर्तमान एसटीजेएम कोर्ट रे हाजर करा जाय छि जो अभियुक्त माने रहितले एवं पुलिस मध्ये जहां सूचना दे छि जे मानको हुए त 5 दिनिया रिमांड पे आवेदन करि पारे। अपडेट किछ आसी पारु छि कि अनिश्चय भाई जो गयार दुई अभियुक्त को गिरफ करा जायतिला एवं तांको अधिक पचराउचरा आवेदन करी 5 दिन आवेदन कर एसटीजेएम कोर्ट में तीन दिन रिमांड अनुमति मिली और अधिक पचराउचरा जेहेतु बिहार गयारु राज्य को आसुला मेडिसिन केवल जो जो दुईटा फार्मा सीज हो मेडिसिन केवल से दुई जन देते ना कटक छड़ा अन्य तो जिला को देते नहीं अधिक पचराउचरा क्यों प्रणुते जहां सूचना कल डीसीपी देते कि दुई जन अच्छा प्रोक्योर करते तेणु आर मूल जो कौटी प्रस्तुत करेणु पुलिस से पहुंचा मतलब उद्यम कर बड़ कथ हूँ ये जो दुई जन रही दुई जन जो गयार गिरफ होते आप जानते आलोक मिश्रा और हरीश कुमार ये दुई जन को आज तीन दिनिया रिमांड नि आज तीन दिन रिमांड में अनेक तथ्य हासिल कर पुलिस आशा कर निहत भाव में विश्वजीत घटना पर आप नजर रखिता बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पाई।